राजमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 250 ग्राम राजमा लिए हैं। इन्हें मैंने एक घंटे भिगो लिया है। अगर आपके पास भिगोने का टाइम नहीं है तो आप इन्हें ऐसे ही बना सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा मैं सोडा ऐड करना होगा। इन्हें मैंने ले लिया है। इसमें एक ये 2 इंच का दालचीनी का पीस है, ये डालूंगी, और एक ये बड़ी इलायची है, इसे थोड़ा सा तोड़ कर क्रश करके डालेंगे हम, और ये एक तेजपात है, ये मैं इसमें डालूंगी। ये बड़ा है इसलिए मैं एक डाल रही हूँ, अगर छोटे हो तो आप इसमें 2 ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, 1 टीस्पून नमक लिया है, ये इसमें डाल दूंगी। इसमें मैं ये 1.5 कप पानी डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से गल नहीं जाते हैं, तब तक हम इसको बॉईल करेंगे। तो हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इसे बॉईल करने के लिए रख लेते हैं। इसे हम रख देते हैं बॉईल होने। राजमा को रखे हुए करीब 20 मिनट हो चुके हैं, इसमें मैंने 3 सीटी ली थी। उसके बाद मैंने 15 मिनट के लिए इसे स्टीम के लिए रख दिया था। मैं इसे चेक कर लेती हूँ, ये बहुत ही अच्छे से एकदम गल चुके हैं। अब इन्हें हम सेट कर लेते हैं, इनकी ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने 1/2 कप इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। इसे हम सबसे पहले अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है बहुत अच्छे से। अब मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरे का डाल दूंगी, जीरा अच्छे से चटक जाए। उसके बाद ये मैंने प्याज ली है, ये 4 मीडियम साइज की प्याज है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये मैंने बारीक चॉप कर ली है, मैं इसमें डालूंगी और इन्हें हमें अच्छे से फ्राई करना है। इसे हमें लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। देखिए प्याज का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें ये 2 हरी मिर्च हैं ये डालूंगी। मैंने 1 हरी मिर्च के 4 पीस कर लिए हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये थोड़ी देर हम इसे फ्राई करेंगे, 2 सेकेंड्स। उसके बाद ये मसाले हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून ये धनिया है, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च है, 1/2 टेबल स्पून नमक है, 1/4 टीस्पून ये हल्दी है, और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च है। इन सबका मैं एक मिक्सचर बना लूँगी, इन्हें मैं सूखा नहीं डालू। इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है और इनका मिक्सचर बनाकर ही मैं इसमें ऐड करूँगी। इससे पानी मिलाकर मसालों में डालने से, पूरे एक मिक्सचर बनाकर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए ये घोल बन चुका है, अब मैं इसे इसमें ऐड कर दूँगी। हम फ्राई करेंगे कुछ मिनट के लिए। जो मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला है, इसका जब तक कच्चापन नहीं निकलता तब तक हम इसे फ्राई करेंगे करीब 2 से 3 मिनट तक। देखिए मसाले को पकते हुए करीब 3 मिनट हो चुके हैं और जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है, ये अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी, 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं, इन्हें भी मैंने चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। आप इसकी जगह टमाटो प्योरी भी यूज कर सकते हैं। टमाटर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं इसे थोड़ा मिक्स कर ढककर पकाऊंगी करीब 5 मिनट। इसे ढक देती हूँ और 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। देखिए 5 मिनट इसे हो चुके हैं पकते हुए, हम इसे खोल कर देख लेते हैं। ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। टमाटर का भी गलने में थोड़ा वक्त और लगेगा, करीब 3 मिनट के लिए हम इसे ढककर और रखेंगे लो फ्लेम पर ही। हम इसे ढककर रख देते हैं, 3 मिनट के बाद हम इसे खोल कर देखेंगे। देखिए 3 मिनट से हो चुके हैं, हम इसे खोल कर देख लेते हैं। हमारी ग्रेवी जो है बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छे से इसका जो ऑयल है वो भी अलग हो चुका है। थोड़ा सा हम इसे इस तरीके से मैश कर देंगे, टमाटर हैं बिल्कुल इसमें घुल जाए। बिल्कुल तैयार है,
अब हम इसमें अपना राजमा डाल देंगे और हमारे यहाँ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा हम ये गरम मसाला है, होममेड गरम मसाला डालूंगी मैं, आधा छोटा चम्मच। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम करीब 3 मिनट हम इसे ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पर। 3 मिनट ऐसे हो चुके हैं, हम इसे खोलकर देख लेते हैं। ये बिल्कुल बनकर तैयार है हमारी ये जो राजमा है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ढाबे जैसे बनकर तैयार हुए हैं, ढाबा स्टाइल।